नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर समाप्त हुआ है और रेलवे की तरफ से बहुत बेहतरीन वैकेंसी आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात इन अफवाहों के बीच में, जहां पे माननीय योगी जी आप लोग से बार बार बोल रहे हैं कि लगभग 40,000 वैकेंसी दोबारा आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो बच्चा एक बार दिमाग में आता है कि एनटीपीसी की तैयारी किया जाए या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में ही लगे रहें। हमने एक मेहनत किया है, उसी मेहनत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। तो इस पूरे सेशन में हम लोग समझेंगे कि कौन सा आपका पोस्ट या किसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर है और आपको मौजूदा समय में क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे योगी जी ने जो 1 लाख पदों की बात किए हैं, उसमें 1 लाख, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये कॉन्स्टेबल की है, केवल कांस्टेबल की है या इसमें अन्य पद भी हैं, जैसे आपका कांस्टेबल हो गया, एसआई नागरिक हो गया, एसआई एएसआई हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर की नई भर्ती हो गई और रेडियो ऑपरेटर की नई भर्ती हो गई, क्या ये नई भर्तियां हैं या फिर केवल कांस्टेबल है, अभी ये क्लोज नहीं हो रहा है। हालांकि अभी कल शाम में उन्होंने एक ट्वीट और किया था कि 1 लाख जो वैकेंसी आनी थी उसमें 60,000 हो गया और जैसे इनकी नियुक्ति हो जाएगी हम वैसे ही क्या करेंगे और भी साथियों की भर्ती निकाल देंगे। तो एक तरफ इशारा ये जा रहा है कि 40,000 केवल कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, और अगर केवल कांस्टेबल की बात नहीं है तो एक सबसे बड़ी या सबसे बेकार बात यह है, क्योंकि जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी तब बाकी वैकेंसीज आएंगी। इसका मतलब ये माना जाए कि अगले मार्च अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एसआई नहीं आएगी और कोई अन्य वैकेंसी नहीं आएगी। तो इसका अगर दोनों निष्कर्ष निकाला जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मार्च तक आपकी यूपीएसआई या बाकी जो वैकेंसीज हैं वो अटकी रह जाएं। तो दूसरा निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, अकेले कांस्टेबल की 40,000 वैकेंसी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें रेलवे की तरफ से, तो रेलवे में अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 तारीख से आप लोग एनटीपीसी के आवेदन कर सकते हो और एनटीपीसी नौकरी, क्योंकि अगर सैलरीज की बात आती है, आराम की बात आती है, तो मेरे ख्याल से रेलवे की वैकेंसी से बेहतर कोई वैकेंसी नहीं होती और इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आपका फॉर्म 14 तारीख से भरना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर इस वैकेंसी की बात किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 12th लेवल की बात करें और हम लोग ग्रेजुएशन की बात करें तो ओवरऑल 11,500 पद हैं, जबकि अगर हम केवल राज्य स्तर पे कांस्टेबल की बात करें तो 40,000 है, तो वैकेंसी ज़्यादा दिखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वास्तविकता क्या है। देखो, ये वैकेंसी आपके सामने है और वो बातें हैं, वो वादा है, वो भी नेता का वादा है, और नेता का वादा पूरा होता है नहीं होता है ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं सोचते, वो अपने लाभ के अकॉर्डिंग सोचते हैं। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पे एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि भले ही एनटीपीसी का पेपर आपका पेपर जाए फरवरी मार्च में, तो आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि समझिए, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ भी रही है तो वो वैकेंसी मार्च अप्रैल से पहले नहीं आएगी 2025 के, और मार्च अप्रैल 2025 में आया तो जितना जल्दी हो सकता है, कितना भी जल्दी करवा लेंगे, वो जून से पहले पेपर नहीं करवा पाएंगे, जून जुलाई से, तो आपको उधर पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी से एनटीपीसी पे ध्यान नहीं दोगे तो इसका पेपर जनवरी फरवरी में हो जाना है। तो अगर पेपर जनवरी फरवरी में किसी भी तरीके से हो जाता है, मैं कह रहा हूँ दिसंबर जनवरी में कभी भी हो जाता है, तो आपको ये पहले एनटीपीसी भी आपका हो जाएगा और बाद में आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भी निकाल लोगे। तो मेरा सुझाव आप सभी के लिए यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनटीपीसी की तैयारी करना है। 14 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म आप भरते रहना, लेकिन ये मत इंतजार करिए कि फॉर्म भर लेंगे तभी हम तैयारी करेंगे। रही बात, अभी मैंने देखा है कि जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, है ना, ये ज्यादातर अपना समय क्या कर रहे हैं, ज्यादातर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कहीं कट ऑफ की वीडियो में या कहीं अन्य वीडियो के में। आप ठीक है, देखो कहीं ना कहीं पेपर देके आते हैं तो उत्सुकता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आखिर हमें एक नया लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए, और आपके सामने एनटीपीसी है जो नॉन टेक्निकल कैटेगरी की होती है, जिसमें 12वीं का पास छात्र भी भर सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी भर सकता है। यूपीएसआई में जैसे ग्रेजुएशन का भर सकता है, वैसे एनटीपीसी में आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, लेवल 4, 5, 6 हो गया, और जैसे कांस्टेबल में 12th पास बच्चा भर सकता है, वैसे एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट वाला भर सकता है। अगर देखा जाए तो एनटीपीसी में जो एज क्राइटेरिया 18 से 33 12th वाले के लिए, 18 से 36 किसके लिए है, ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन अगर यूपी पुलिस में देखा जाए तो अब रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा, यहां पे 18 से 22 18 से 23 साल ही मैक्सिमम माना जाता है, तो यहां पे एक उम्र का भी फायदा एनटीपीसी में ज्यादा बच्चों को मिल जाता है। तो सुझाव मेरा यही रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश, अगर आप इस राज्य
से बिलोंग कर रहे हो, उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग कर रहे हो, तो आप भूल जाओ, भूलिए मत, आप उसमें वार्म अप करते रहे। वैसे भी जब आप एनटीपीसी की तैयारी करेंगे तो मैथ तो आप पढ़ेंगे ही, इस कांस्टेबल से ज़्यादा बेहतर मैथ पढ़ेंगे तो कांस्टेबल की मैथ तैयार हो जाएगी। रीजनिंग आप पढ़ेंगे, यहां से ज़्यादा बड़े स्तर का पूछा जाता है एनटीपीसी में, तो रीजनिंग आपकी तैयार हो जाएगी। और जीएस जीके स्टैटिक भर भर के एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, और आप में भी जीके जीएस भर भर के पूछा जाएगा, वो भी स्टैटिक पूछा जाएगा। तो इसका मतलब केवल एक एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा, वो हिंदी। तो हिंदी कोई बात नहीं, साइलेंट रख दो अभी, या धीरे धीरे जब भी मौका मिलेगा रिवाइज करते हुए चलना। आप रीजनिंग मैथ और किस पे जीके जीएस पे ज्यादा फोकस कर लो, दोनों वैकेंसीज पे आप साथ में लेके चलोगे। तो ये मेरा सुझाव रहेगा कि आप एनटीपीसी की तरफ ज्यादा रहो। जो अन्य आने वाली भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में 40,000, वो मैंने आपको ये लगभग सारी चीजें एक बार मैंने बता दिया था कि किसके कितने पद संभावित है। कांस्टेबल के 25,000 संभावित है, लेकिन अगर योगी जी कह रहे हैं कि 40,000 उनके बातों का मतलब, क्योंकि जानते हैं कि नेता हमेशा डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, स्पष्ट रूप से बात नहीं करते, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से केवल कांस्टेबल की ही 40,000 है, इसका मतलब ये सारी वैकेंसीज तो आनी ही है, तो टोटल 50-60 वैकेंसीज और आएंगी उत्तर प्रदेश पुलिस कैडर से अगले 1-1.5 साल में, तो फिर वो तो हमारे लिए और भी बेहतर चीज है। तो ये चीज भी दिमाग में आप रखते हुए चलो। अच्छा, कुछ बच्चे जो कहते हैं नहीं नहीं सर, हम एनटीपीसी में रेलवे में नहीं जाना चाहते, हम यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहेंगे, हमें इसके लिए बैच चाहिए, तो एक चीज समझिएगा, परीक्षा प्लस अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का बैच तो नहीं लॉन्च कर रहा है, लेकिन मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं कि आपके लिए फ्री बैच, आपके लिए एक फ्री बैच जो हमने पहले भी पढ़ा रखे हैं, और वो पहले भी फ्री था, वो फ्री बैच आपको परीक्षा प्लस ऐप पे फ्री वाले सेक्शन में जाएगा, वो बैच वहीं पे लगाए, आप उसी से पढ़ते चलो, अपनी तैयारी करते चलो, आपको कहीं भी कोई भी पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, एनटीपीसी के लिए शाम को 6 बजे परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे आपकी साइंस की क्लासेस, आपकी 7 बजे जेके जीएस की क्लासेस, 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस, और यही नहीं, एक बेहतरीन टीम के साथ आपको रेलवे में एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, या टेक्निकल कैडर का एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, किसी सेगमेंट का आपको बैच से जुड़ना है, तो रेलवे के सारे बैचेस मात्र 199 रुपए में यहां पे अवेलेबल हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पे जुड़ने का प्रयास करें, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से यहां पे आगे बढ़ पाए, और अभी फोकस होइए आप लोग एनटीपीसी पे। मैं आपको यह बताता रहूंगा कि कब आपको फोकस होना है यूपी पुलिस पे, कब आपको फोकस होना है एनटीपीसी पे। अभी आप रेलवे की तरफ फोकस करोगे, आप देखिए फ्री कोर्सेज में जाओगे तो आपको यूपी कांस्टेबल वाला फ्री मिल जाएगा, पेड कोर्सेज में जाओगे मात्र वो भी फ्री है, बट 199 रुपया केवल आपका गंभीरता शुल्क लगाया जा रहा है, जिसमें ये तमाम जो किताबें होती हैं आपको ईबुक मिल जाएंगी। आपको ये पूरे कोर्स, आप किसी भी जैसे कोर्स में जाओगे तो आपको पूरा यहां पे नोटिफिकेशन, डिस्कशन, पीवीएसएस, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया, हिस्ट्री हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, सब कुछ आपको यहां पे लगा मिलेगा, और सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लाइव क्लासेस हैं, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपको क्लास के नोट्स हैं, आपके लिए बुकलेट नोट्स हैं, बुकलेट मतलब जो आपकी किताबें होती हैं वो पूरी की पूरी किताबें आपको दी जा रही हैं, साथ में आपको क्या जा रहा है पूरा मार्गदर्शन, पूरा टॉपिक टेस्ट दिया जा रहा है। ईबुक जो आप 700-800 रुपए मार्केट में खरीदते हो, उनकी सारी 20-30 रुपए में आपको क्या मिले हैं, सारे के सारे ईबुक मिल जाएंगे। ये ईबुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ईबुक भी मिल जाएंगे। तो एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी टीम परीक्षा प्लस आपके लेके आई है। आप लोग भटकिए मत, आप लोग अपना समय व्यर्थ मत करिए, इधर उधर अपना समय जाया ना करिए, फोकस होइए, दोबारा फिर लड़ जाइए। सिलेक्शन हो जाता है वो तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एनटीपीसी, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि कांस्टेबल कैडर से, मैं यूपीएसआई तो कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन कांस्टेबल से अगर एनटीपीसी को कंपेयर किया जाए तो एनटीपीसी मच बेटर है, कहीं ज्यादा सैलरी में, आराम में, रेपुटेशन में, सब में एनटीपीसी कहीं ज्यादा बेहतर और रेपुटेटेड जॉब है। आप ऐसा बस समझिए कि आप कांस्टेबल हो या फिर आप क्या हो, आप एक टिकट चेकर हो, टीसी हो, टीटी हो, तो आपके लिए क्या बेटर है, आपके इसका उत्तर खुद पता होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए क्या ज्यादा बेहतर आपको लगता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर आपका टीटी, कौन सा आपका ज्यादा पसंद है, कमेंट मुझे बताएंगे। बाकी आपको उसे जुड़ने के लिए परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद, सभी का आभार।